वॉट्सअप दोस्तों मैं हूं आपका कार कारमास्कर रंजन शर्मा एंड आज की वीडियो में हम रिव्यू देखने जा रहे हैं एक हॉटली एंटीसिपेटेड प्रीमियम हैचबैक का यस टुडे वी विल बी रिव्यूइंग द न्यू हिमडई आई ट्वेंटी डीजल एंड वीडियो के एंड में मैं आपको पांच ऐसी खामियां बताऊंगा आई ट्वेंटी की जिसकी वजह से आप अपनी आई ट्वेंटी की डील कैंसिल जरूर कर सकते हैं अब एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो मैं खामियां बताऊंगा वो कुछ लोगों के लिए शायद कुछ मेजर ड्रॉबैक्स ना हो लेकिन कुछ प्रोपोर्शन ऐसी भी है व्यूअर्स की जिनके लिए कुछ ये मेजर डील ब्रेकर्स होंगे तो अगर आपको वो जो ड्रॉबैक्स में बताऊंगा वो ज्यादा बड़े नहीं लग देन गोविद्यचेज ऑफ द न्यू आई ट्वेंटी अदरवाइज उन खामियों को ध्यान में रखकर ही आप अपनी न्यू कार की परचेज फाइनल कीजिए एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि मेरा गोल ये ही है कि फेबर तक 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए मेरे तो इफ यू डोंट फील शाये इन हेल्पिंग मी रीच माय गोल देन डू क्लिक द सब्सक्राइब बटन आल्सो अब गाड़ी में बैठते ही जो चीज आप सबसे पहले नोटिस करेंगे ना वो ये है कि ये डीजल इंजन बहुत ही ज्यादा स्मूथ, रिफाइंड और साइलेंट है दिस इज द्वाइटेस्ट डीजल इंजन इन द सेगमेंट जो कि एक डीजल इंजन के लिए बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है टॉर्क स्प्रेड इस इंजन का बहुत ही ज्यादा बढ़िया है जिसकी वजह से टर्बोलैग मिनिमम है एंड बॉटम एंड रिस्पॉन्सेज काफी ज्यादा अच्छे हैं रेयर सीट्स की अगर हम बात करें ना तो रेयर सीट्स में स्पेस काफी ज्यादा है विर्थ भी काफी अच्छी है इट्स मच मोर देन इवन किया कुशनिंग सॉफ्ट साइड पे लेकिन इट्स नॉट अ मेजर इरिटेंट लेग रूम और नी रूम तो काफी ज्यादा अच्छे हैं रेयर एसी वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आपको रेयर सेंटर आमरेस्क भी मिल रहा है बट स्किल टाटा एल्ट्रोज और होंडा जैज जैसी कार्स की सीट्स ज्यादा कंफर्टेबल है फ्रंट सीट्स की अगर हम बात करें ना तो फ्रंट सीट्स मुझे थोड़े डिसअपॉइंटिंग लगी क्योंकि जो साइड बॉल्सक्रिंग है ना फ्रंट सीट्स की वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है तो अगर आप अच्छे खासे फ्रेम के चौड़े फ्रेम के हैं या आप अच्छे खासे जिम जाते बल्कि हैं तो जो साइड बॉल स्कर्स हैं ना फ्रंट सीट्स के वो आपकी मिडिल बैक में प्रोट्रूड करेंगे तो ये लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज़ में ज़रूर एक इरीटेंट बन सकता है एंड ज़रूर बनेगा भी तो फ्रंट सीट कम्फर्ट इज नॉट देस्ट बट रेयर सीट कम्फर्ट इज जेन्यनली गुड सिटी ड्राइविंग की अगर हम बात करें ना तो क्योंकि इंजन का टॉर्च स्प्रेड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है इस वजह से बॉटम एंड में भी आपको अच्छी पावर मिल जाती है गाड़ी अच्छी तरह रिस्पोंड करती है आपके एक्सलरेटर इनपुट्स को एंड ज्यादा टर्बोलाइक भी नहीं है इस वजह से आपको ज्यादा जर्क्स भी नहीं लगेंगे जो कि सिटी ड्राइविंग में बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो सकते हैं स्मूद और रिफाइंड इंजन भी है तो दिस में एक सिटी ड्राइविंग ब्रीज गेयर शेड भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है वेल डिफाइंड गेट्स हैं गेयर बॉक्स के क्लच भी बहुत ज्यादा लाइट है एंड वेल जज्ड है तो ये चीज जरूर मैं ह्यूंड को देना चाहूंगा कि सिटी में ड्राइव करने के लिए ना आई ट्वेंटी डीजल इज एन एक्सीलेंट कार स्टेयरिंग भी वेल well वेटेड है सिटी स्पीड्स पे काफी ज्यादा लाइट रहता है इट्स वेरी 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 फ्लूडिक तो ऑल दीज थिंग्स मेक एक दी आई ट्वेंटी डीजल a surprisingly pleasant car to drive even in heavy traffic. इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इंटीरियर क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है हार्ड प्लास्टिक्स हैं हार्ड वेयरिंग प्लास्टिक्स है सब कुछ वेल पुट टुगेदर है रेयर सीट्स में भी आपको स्टोरेज के लिहाज से कभी होल्स और बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं हेडलाइनर की भी क्वालिटी काफी अच्छी है सनरूफ आपको दी गई है जो कि टॉप एंड एस्टा ऑप्शनल वेरियंट में एक फीचर आपको दिया जाएगा आउट ऑन हाईवे पिकअप बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया है। है है, है। 11.3 के आसपास 0 to 100 की sprint ये complete कर लेती है गाड़ी। highway पर भी जो steering feedback है, वो बहुत ही ज़्यादा रहता है. It weighs up very nicely as your तो उस वजह से जो आपका ड्राइविंग प्लेजर है ना वो जरूर थोड़ा सा एनहस हो जाता है 3800 आरपीएम के आसपास तक इंजन अपने कंफर्ट जोन में रहता है जहां पे आपको मैक्सिमम पावर और टॉर्क स्प्रेड मिलेगा तो इस बैंड में जो इंजन की परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड अनलाइक सम अदर डीजल्स अगर आप लो स्पीड से भी एक क्विक ओवरटेक करना चाहते हैं ना तो वो इस कार में बहुत ही ज़्यादा ईजी है ऑल थैंक्स टू द एक्सेलेंट टॉर्क कर्व ऑफ दिस इंजन जो एक इरिटेंट है ना इस कार में वो है हाई स्पीड स्टेबिलिटी जैसा आप देख सकते हैं ब्रिज के एक्सपेंशन जॉइंट्स आई ट्वेंटी को अनसेटल जरूर कर देते हैं सस्पेंशन साइलेंट ज़रूर है लेकिन बम्प एब्जॉपन हाई स्पीड्स पे ज़्यादा अच्छी नहीं है तो स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें ना हाई स्पीड स्टेबिलिटी के हिसाब से तो इट्स नोवेयर नियरली एज गुड एज द टाटा अल्ट्रॉज और इवन आई वुड से मारुति सुधू की बलेनो इसका रीजन ये है कि सस्पेंशन थोड़ी सी सॉफ्ट दी गई है जो कि एक ट्रेडमार्क क्वालिटी रहती है हिउंडई कार्स की तो उस वजह से जहाँ सिटी स्पीड्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा प्लस और कंफर्टेबल राइड मिलती है ना हाईवे पे वही चीज़ एक फ्लोटी और अनसेटल राइड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है बट देन अगेन आप एक चीज़ बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि इस कार की ड्राइविंग डायनामिक्स और ड्राइविंग प्लेजर दे आर लीग्स अहेड वोट इन पांच नेगेटिव पॉइंट्स क्या है देखिए काफी लोग यही सोच रहे होंगे कि रिव्यू में तो इतनी सारी अच्छी बातें बोली हैं एंड मेनली हाई स्पीड स्टेबिलिटी को छोड़कर मैंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग ने बताया बट देन अगेन अच्छी बातें तो हर YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगी तो इस वीडियो में मेरा फोकस यही रहेगा कि आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट जरूर बताए जाएं एंड फर्स्ट फर्स्टेटिव ट्वेंटी ट्वेंटी आई ट्वेंटी का यही है कि उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा रिडिक्यूलस है अगर आप बेस वेरियंट की बात करें ना वन लीटर मैनुअल पेट्रोल की तो उसी का प्राइस आपको 6.80 लाख के आसपास पड़ जाता है विच इज मोर एक्सपेंसिव देन इवन द कॉम्पैक्ट एस यूवीज एंड जो टॉप एंड वेरियंट है पड़ता है इलेवन पॉइंट रुपीज मतलब ऑन रोड ये तकरीबन आपको साढ़े तेरा से चौदह लाख रुपए तक की पड़ सकती है एंड दिस मेक्स दी आई ट्वेंटी अप्रोच इवन दी क्रेटा एंड सेल्टॉस टेरिटरी तो प्राइसिंग में जरूर Hyundai ने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है फीचर जरूर आपको काफी सारे मिल रहे हैं यू नो टॉप एंड वेरिएंट में आपको एयर प्योरीफायर जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल सा फीचर है क्योंकि कुछ लोग इसको अच्छा मान रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसको कम्प्लीटली यूजलेस बोल रहे हैं सनरूफ आपको मिल जाती है सिक्स एयर आपको मिल रहे हैं एम्बियंट लाइटिंग तक भी आपको मिल रही है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है 10.25 इंचेस की टच स्क्रीन है ले, लेकिन ये सारी चीजें मिलकर भी ना जस्टिफाई नहीं कर सकती कि आप एक प्रीमियम हैचबैक खरीद रहे हैं साढ़े तेरह लाख रुपए तक का तो प्राइसिंग जरूर एक मेजर ड्रॉबैक मेजर डिसएडवांटेज मेजर डाउनर है ह्यूंडई आई का जो सेकेंड मेजर ड्रॉबैक है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ दैट इज हाई स्पीड स्टेबिलिटी सस्पेंशन थोड़ी सॉफ्टर साइड पे है तो जो ट्रेडमार्क बोट जैसी राइड होती है Hyundai की वो उसके ट्रेसेस प्रेजेंट है अभी भी इस वाली जनरेशन आई ट्वेंटी में भी हालांकि इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा है लेकिन इट्स स्टिल फार अवे फ्रॉम द सेगमेंट बेस्ट टाटा एल्ट्रॉस एंड इवन दी मारुति सुजू की बलेनो मेजर ड्रॉबैक नहीं है लेकिन अगर आपका हाईवे ट्रैवल है या आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं छोटे बच्चों के साथ या ओल्ड पेरेंट्स के साथ दैट टू ऑन दी हाईवे तो ये एक इरिटेंट जरूर हो सकता है तीसरा जो ड्रॉबैक मुझे लगा 2020 ट्वेंटी न्यू आई ट्वेंटी में वो ये है कि जो 1.0 पॉइंट जीरो वेरिएंट वेरियंट है ना उसको आप मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ नहीं ले सकते उसमें आपके पास ऑप्शन सिर्फ दो ही है या तो आप टर्बो पेट्रोल वेरियंट ले सकते हैं आई एम टी गेयरबॉक्स के साथ या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही है कि आप डी सी टी बॉक्स के साथ वन पॉइंट ओ टर्बोपेट्रोल वेरियंट को लीजिए मैनुअल गेयरबॉक्स का ऑप्शन आपके पास नहीं अवेलेबल एंड ये चीज काफी ज्यादा खराब तब लगती है जब आप एक हिउंड वेन्यू को ले सकते हैं मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ टर्बो पेट्रोल वेरिएंट में लेकिन वही चीज़ आप आई ट्वेंटी में नहीं ले सकते अब इसमें खराबी ये है कि डी सी टी गेयर बॉक्स आपको अवॉइड ही करना चाहिए बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है इस चीज को मैं लेबोरेट नहीं करूंगा इसके बारे में भी मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं एंड आई टेक्नोलॉजी पे भी मैंने वीडियो कवर अप करी हुई है उसको मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप कुछ टाइम रुक जाइए कस्टमर फीडबैक देखिए उस चीज का एंड दो तीन साल के बाद ही आप इस न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए बट स्किल इवन इफ यू आर विलिंग टू टेक द रिस्क विद द आईएमटी एम परफॉर्मेंस इज नो वेर एज गुड एज वॉट यू गेट विद मैनुअल ट्रांसमिशन तो एंथज को जरूर ये चीज डिसअपॉइंट करेगी जो फोर्थ ड्रॉबैक है ये थोड़ा सा कंसर्निंग इशू जरूर है वो है आई ट्वेंटी की लुक्स कुछ लेटेस्ट डिजाइन की तरह ही बहुत ही ज्यादा मिक्स एंड मैच किए हुए डिजाइन एलिमेंट्स कुछ शार्प कट्स शार्पकट्रीजेस कई राउंड एलिमेंट्स तो बहुत ही ज्यादा फसी सा डिजाइन लगता है आई ट्वेंटी का स्पेशली फ्रंट एंड से रेयर एंड की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रेट अवे मैं काफी लोगों के साथ ये एग्री करूंगा कि वो स्ट्रेट अवे आपको एक लिफ्ट ऑफ लगता है टाटा अल्ट्रोस से तो अगर आप एक मेच्योर और सोबर सा डिज़ाइन चाहते हैं तो शायद आपको आई ट्वेंटी का डिज़ाइन ना पसंद आए लेकिन अगर आपको एक फ्लेम पॉइंट एक यूथफुल एंड एक एजी डिज़ाइन लैंग्वेज वाली कार चाहिए ना

the quality hyundai is giving you in india and even when you feel the metal around the car na to usme aapko zyada heft nahi feel hoti as something you get from something coming from ford or tata or even mahindra baleno se zarur better hai far better hai but jo latest ratings aayi hai na hyundai group cars ki वो question ज़रूर करने पर मजबूर करती है कि क्या safety मिल रही है आपको new i20 ट्वेंटी में भी क्योंकि जब सेल्टॉस जैसे एस में भी आपको थ्री स्टार सेफ्टी ही मिल रही है तो मेरा ओपिनियन यही है कि आई ट्वेंटी में डेफिनेटली आपको फोर स्टार रेटिंग तो नहीं मिलेगी थ्री स्टार रेटिंग के भी चांसेस स्लाइटली कम है क्योंकि सेल्टॉस जैसे एस को अगर थ्री स्टार रेटिंग मिल रही है ये तो फिर एक हैचबैक है छोटी कार है तो एस्टिमेट ये कि टू या थ्री स्टार के बीच में ही सेफ्टी रेटिंग होएगी विच इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग तो ये पांच ड्रॉबैक्स है आई के, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप i20 या अगर इस सेगमेंट में कोई और कार परचेज कर रहे हैं तो वो परचेज आप इन चीजों को ध्यान में रखकर ही फाइनल कीजिए तो एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को क्योंकि जितना चैनल ग्रो होगा उतनी मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड आई ओपनिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा वीडियो को थम्सअप भी जरूर दे दीजिए So that's all for today. See you again.